राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि ज्ञान वापी का एक इतिहास है जिसे हम बदल नहीं सकते। आज के हिंदू और मुसलमानों ने इसे नहीं बनाया है। रोज एक मस्जिद में शिवलिंग को क्यों देखना, झगड़ा क्यों बढ़ाना, वह भी एक पूजा है जिसे उन्होंने अपनाया है। वे यहीं के मुसलमान हैं। भारत किसी एक पूजा और एक भाषा को नहीं मानता क्योंकि हम समान पूर्वज के वंशज हैं। भागवत संघ के तृतीय वर्ष संघ शिक्षा वर्ग समापन समारोह में बोल रहे थे। संघ प्रमुख ने कहा कि हमने 9 नवंबर को ही कह दिया था कि राम मंदिर के बाद हम या संघ किसी भी मंदिर के लिए कोई आंदोलन नहीं करेंगे, लेकिन मुद्दे मन में हैं तो उठते हैं। ऐसा कुछ है तो आपस में मिलजुल कर मुद्दा सुलझाएं। इस्लाम आक्रमणकारियों के जरिए भारत में आया तो भारत की स्वतंत्रता चाहने वाले लोगों का मनोबल कम करने के लिए हजारों देवस्थान तोड़े गए। हिंदू मुसलमानों के खिलाफ नहीं सोचता है, लेकिन उसे लगता है कि इनका पुनरुद्धार होना चाहिए। भागवत ने कहा कि विश्व में भारत माता की विजय करानी है क्योंकि हमको सबको जोड़ना है, ना कि जीतना है। हम किसी को जीतना नहीं चाहते, लेकिन दुनिया में दुष्ट लोग हैं जो हमें जीतना चाहते हैं। आपस में लड़ाई नहीं होने चाहिए, आपस में प्रेम चाहिए। विविधता को अलगाव की तरह नहीं देखना चाहिए, एक दूसरे के दुख में शामिल होना चाहिए। विविधता एकत्व की साज सज्जा है, अलगाव नहीं है। कैमरा पर्सन सुभाष और अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़, नागपुर।